लेकिन सनराइज के साथ साथ वो थोड़ा सा बर्फ भी देखिए, वो पहाड़ चोटियों के ऊपर हाइट पे बर्फ जमी हुई है, लेकिन आई कैन सी विथ माई बियर आईज यू नो, बहुत ही ज्यादा सफेद और व्हाइट बर्फ के लेयर से हिमालय के ऊपर। नहीं, हम यहाँ एक और दिन रुकेंगे, तुम जाओ, चले जाओ तुम। वी आर स्टेइंग बिलो द हिल। ये हेल्दी भी है, पैकेजिंग खाने से तो बहुत अच्छा है, पैकेट का। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम कुफरी के अंदर है, शिमला के अंदर, और सुबह हो चुका है, नींद बहुत अच्छी आई रात को। आप देख सकते हैं हमारा ये रूम का हालत थोड़ा सा बिगड़ के रखा है अभी, लेकिन नींद इतना अच्छा आया ना शिमला ट्रिप के अंदर, पूरा आज सबसे ज़्यादा सुकून वाला नींद था। और सनराइज देख सकते हैं मेरे पीछे आप, मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ, ये देखिए सनराइज दिखिए। लेकिन सनराइज के साथ साथ वो थोड़ा सा बर्फ भी देखिए, वो पहाड़ चोटियों के ऊपर हाइट पे बर्फ जमी हुई है जो पिघल जाएगा शायद थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा बर्फ है। और इस साइड आप अगर देखें तो वो जो है ना, वो ये जो पिलर है इसके ठीक पीछे वहाँ पे हिमालय है, यहाँ से साफ दिख रहा है वो, देखिए वाइट वाइट। तो कैमरे में शायद मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन आई कैन सी विथ माई बियर आईज यू नो, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और वाइट बर्फ के लेयर से हिमालय के ऊपर। तो दैट्स रियली क्लोज टू दिस प्लेस, मैं जहाँ पे हूँ द डिस्टेंस इज नॉट सो मच, बट यू नो द हिल्स आर लाइक कंटिन्यूअस एंड यू हैव टू मूव अराउंड देम, यू कांट जस्ट ओवरटेक देम, यू कांट जस्ट रन ओवर देम, आपको जो है घूम के जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस काफ़ी पड़ेगा, लेकिन वैसे बहुत पास है, ठीक है ना, वैसे बहुत पास है। और अभी मैं जो है हमारे होटल से नीचे जा रहा हूँ, होटल का वीडियो तो आपको मिल ही गया होगा, खाना खाने का, मेहमान नवाजी का, रात का। तो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके उसको चेकआउट कीजिए, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम हो रहा है शायद, अंकल जी को तो आपने देख ही लिया वीडियो में। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, हम तो उठते उठते थोड़ा सा लेट हो गए। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ब्रेकफास्ट अभी हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो ये था हमारा होटल, दिन में कुछ ऐसा देखते, बहुत ही खूबसूरत, मतलब एक क्यूट सा छोटा सा, वो होता है ना जिसकी हम सबको जो है ख्वाहिश होती है, हम सब सोचते कि ऐसा कुछ होता काश, तो वो चीज़ यहाँ पे है, मतलब मस्त है भाई। धूप बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर सो मेनी डेज, मतलब दिल्ली पहुँचने के बाद से ही धूप का जो है दर्शन नहीं हुआ हमारा। ये देखिए रोड्स, ठीक है, हिमाचल में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि रोड्स जो है ज़्यादातर कच्ची मिलेंगी, क्योंकि पक्की रोड्स मतलब अगर हो गए हिली एरिया के अंदर तो स्लिपरी हो जाता है, कच्चा रोड अच्छा है, अगर स्नो हो भी जाए तो स्लिपरी नहीं रहता। और ये जेसीबी आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे जेसीबी क्यों इधर, तो ये दो काम में आता है, एक तो अगर हैवी बर्फ़बारी हो जाए तो बर्फ़ को हटाने के लिए, दूसरा हो गया ये इनका कुछ काम भी चल रहा है सामान का। और ये ऊपर आप देख सकते हैं, हम एक्चुअली एक हिल के नीचे ही है, वी आर स्टेइंग बिलो द हिल, ये देख सकते हैं, और वो देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट वहाँ पे स्नो है अभी तक। तो जैसा कि देख सकते हैं ब्रेकफास्ट, अंकल ये प्लेट इसमें और कुछ आएगा? इसमें आपका, अच्छा अच्छा फिर ठीक है, मेरे को लगा और कुछ आना बाकी नहीं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, और देखिए ब्रेकफास्ट आ चुका है, अंकल हमारे साथ बैठ चुके हैं, हमारे साथ ही चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे, इसको अंकल आपके लोकल में कुछ बोलते हैं, आलू का पराठा। अच्छा, ये आलू का ही पराठा है, नॉर्मल आलू का पराठा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और यहाँ पे है बटर, बटर है नहीं, बटर है, और चाय है। मसाले जो है, कल से मैं एक चीज़ जो है नोटिस कर रहा हूँ, मसाले बहुत टेस्टी आते हैं,
तो ये क्या लोकल बनता है यहाँ का या फिर बाहर से? नहीं, इसको जैसे सामान लाते हैं स्पेशल जेटीएफ को, मतलब इसको पसाती है रॉ मटेरियल टाइप मसाला, जैसे इलायची विलायची सॉलिड आता है उसको पीस के मसाला बनाया जाता है। सेम ही तरीका है हमारे घर में भी, जो है मम्मी जो है करती है ये सारे के सारे जो है मसाले कूटने का काम। और ये हेल्दी भी है पैकेजिंग खाना से, तो बहुत अच्छा है पैकेट के खाने से। आ जा भाई यार, तो इसका बहुत अच्छा स्मेल और कॉम्बिनेशन है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ऑफ वेरी गुड, बट यू की पुल अप इज लेजी। आई एम लेजी। यस रियली, वेक अप सो लेट। ओके, तो बोलना है कि आई एम लेजी। चलो, ऐसे जगह पे आके भाई जाने का मन नहीं करता यार। ऐसे जगह पे आके ना ऐसे रुको, इनकी तरह ये जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना? ये सुकून देखो ना, पहाड़ देखो, तेरे को समझ में आता है ये सब? हमने ले लिया। क्या ले लिया तुमने? नेचर पता है इसको? कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ है। चलो इसको छोड़ो, हम एंजॉय करते हैं। नेचर को छोड़ के जल्दबाजी करें नहीं, हम यहाँ एक और दिन रुकेंगे, तुमको क्या तकलीफ है भाई? तुम जाओ, चले जाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए नजर, ऐसा है ना, यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि घूम तो नहीं रहे, ये यहाँ पे खड़े रहो ना तो ही सुकून है यार। मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो हम अभी यहाँ पे है गुलमार्ग हाइट, यहाँ पे बस ऐसे ही मतलब रुक जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुकून खुद आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना? वो जो तकलीफ है, वो जो मतलब है ना, मतलब प्रेशर, सब खत्म है यहाँ पे।